तो टमाटर की ऑक्शन शुरू हो चुकी है, देखते हैं क्या भाव रहता है। ओ चौधरी, ओ भाई चौधरी, चौधरी यार क्या किशोर भाई आज बाजार 200 से लेकर 250 रुपए जी, 200 से 250, 250 रुपए सुपर माल 250, 210, 220, 230। कितना माल, कितना का माल होगा मंडी में? माल आज जो मेरे पास अपने फट पे है जी 350-400 के क्रेट है जी, 350। बाकी पूरी मंडी का तो सर पता नहीं, 1000-1500 के आसपास होगा। 1500 तो नहीं, मेरे हिसाब से 1000-1200 और 150-400-500-550-800-900 क्रेट है जी, 800-900 जी। चलिए थैंक यू, ठीक ठीक लगा लो। तो 800 से 900 क्रेट आज पहुंचा है और ऑक्शन यहां पर हो चुकी है, तो 250 तक के बाजार जो है वो आज सोलन मंडी में रहे। हालांकि 300 तक के बाजार की उम्मीद थी, हो सकता है परचून में जो है वो 300 तक बाजार रहे हो। पप्पू भाई कैसे हैं जी? बढ़िया जी, बढ़िया। तो सीजन शुरू हो चुका है जी, आज ऑक्शनें शुरू कर दी हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो बाजार क्या कुछ रहेगा जी? बाजार अभी बढ़ जाएगा 3-4 दिन में। अच्छा, आज तो 200-250 माल, जमींदारों को बोलो थोड़ा कतरा माल लेके ना, लाल नहीं जी, 200-250 का बाजार। हाँ जी, हाँ जी, 250 तक है, 250 तक है। नीचे आपका हरियाणा में जो है वो आजकल चल रहा है लाडवा, लाडवा तो कब तक का बाजार है? 10 दिन का और, 10 दिन का और है, उसके बाद हिमाचल मार्केट में उतरेगा। चलिए थैंक यू बाबू भाई। तो ये हमारे हरियाणा के व्यापारी भाई हैं जिन्होंने हमें जो अपडेट किया है, क्योंकि लाडवा ये हरियाणा से खुद संबंध रखते हैं और इनको ज़्यादा जानकारी रहती है लाडवा किस तरह से है क्या है। और इनका कहना है कि लाडवा जो है वो अब 10 दिन का बाज़ार रह चुका है, उसके बाद हिमाचल ही हिमाचल की एंट्री जो है वो बाज़ार में होगी। तो देखते हैं आगे किस तरह से भाव रहते हैं, इनका अनुमान भी यही है कि आगे भाव बढ़ेंगे, कितना तक बढ़ता है, कितना बाज़ार पहुँचता है वो तो चलो आने वाला समय बताएगा, लेकिन उम्मीद है कि अच्छे भाव रहें। उस्ताद जी कैसे हैं जी? शुभ नाम आपका? प्रदीप कुमार। प्रदीप जी, आप पूरा साल यहाँ मंडी में नजर आते हैं, ट्रांसपोर्टरी आपकी है, तो क्या लगता है इस बार भाव कैसे रहेंगे और क्या कुछ चीजें रहेंगी टमाटर को लेकर खासतौर पर? भाव तो रहेंगे, बट जब तक बारिश नहीं होती तब तक तो क्या बता सकते हैं। फसल कैसी चल रही है अभी? फसल तो बढ़िया है, पर थोड़ी बारिश की कमी है, बारिश हो जाए तो जी बहुत बढ़िया फसल है, पर रेट अभी शुरुआती डाउन है तो चलो कहीं ना कहीं उसकी नाराजगी या रेट तो इसकी वजह से अभी थोड़ा जल्दी चल पड़ा हमारा, हमारी फसल तो इसकी वजह से रेट थोड़ा जी। और टमाटर भी समय से पहले पक रहा है गर्मी की वजह से। जी 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 जी, चलो बारिश उम्मीद है 15 के बाद शायद हो जाए, हो जाए तो चलिए। थैंक यू, थैंक यू। तो साथियों, टमाटर की हमारे सामने ऑप्शन थोड़ी सी बची थी तो वो हमने आपको हल्की सी दिखाई, तो 225 तक के बाज़ार उसमें रहे। और जैसा कि किशोर भाई ने हमें बताया, जो कि 25 नंबर प्लेटफॉर्म पर जो है ऑक्शन करते हैं, कि आज 250 तक के बाजार इनके पास रहे हैं, हो सकता है किसी के पास बढ़िया क्वालिटी का, क्योंकि यहाँ पर गत्ते की पैकिंग वाला टमाटर भी जो है वो देखने को मिल रहा है स्टार्टिंग से ही। हालांकि स्टार्टिंग में जो है वो गत्ते की पैकिंग वाला टमाटर नहीं आता, लेकिन हमने 2 दिन पहले देखा कि गत्ते की पैकिंग वाला टमाटर आया और 150 तक के बाज़ार थे, लेकिन वो गत्ते वाला जो है वो 200 रुपये भी का था। तो हो सकता है आज भी अगर गत्ते की पैकिंग वाला मटेरियल या टमाटर जो है वो किसी के पास पहुंचा हो तो वो जो है वो 300 का बाज़ार भी उसका रहे, लेकिन 250 तक के जो है वो ऑक्शन में रहे हैं फिलहाल टमाटर के आज के। और बीन की बात करें तो बीन जो है वो 64 रुपये आज ऑक्शन हुई है, 64 रुपये प्रति किलो के हिसाब से ऑक्शन में जो है वो बीन बिका है आज। पहले हम वीडियो में अपडेट नहीं कर पाए थे, लेकिन बता दें आपको 64 रुपये जो है वो बीन बिका है। बीज के लहसुन की बात कर लें तो हमने पहले भी बताया, बीज का लहसुन एक बार फिर बता देते हैं कि बीज का लहसुन जो है वो 120 से लेकर 140, हो सकता है किसी के पास 150 रुपये तक के बाज़ार भी जो है वो बीज के लहसुन के हो। और जो लोकल हिमाचल का लहसुन है, जो किसान का लहसुन है वो मंडी में 100 रुपये से 90-100 रुपये से लेकर जो है वो 180 तक के बाज़ार उसके हैं, बहुत सुपर होगा, 4A क्वालिटी होगा, तो हो सकता है 180 से ऊपर के बाज़ार भी उसको मिल जाएं, 200 तक के बाज़ार भी मिल जाएं, क्योंकि बाज़ार में तेज़ी ज़रूर है। लगातार इस बार लहसुन के भाव जो है वो स्टेबल रहे, कोई ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं देखने को मिला है, अच्छे भाव जो है वो लहसुन के मिले हैं। तो सारी अपडेट हम आपके साथ कर चुके हैं, वीडियो को शेयर कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा किसान न्यूज़ को इसी तरह के अपडेट के लिए। धन्यवाद।